उल्हासनगर मनपा के सामने उल्हासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना आंदोलन किया गया। उल्हासनगर शहर के सड़कों की दयनीय अवस्था, नागरिकों के होने वाले हादसे, वाहन चालक व रिक्शा चालकों को होने वाला आर्थिक नुकसान, ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी अधिकारी की मिलीभगत से होने वाला भ्रष्टाचार और नींद में सोए सत्ताधारी पार्टी को जगाने के लिए कांग्रेस जिला महासचिव रोहित सालवे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि ये डामर कौन खाता है। आपको बता दें कि उल्हासनगर शहर में बीते 7 वर्ष में 525 सड़क हादसे हुए, जिसमें 163 लोगों की जान गई और 560 लोग जख्मी हो गए, लेकिन प्रशासन फिर भी नहीं जागा। आश्चर्य की बात यह है कि गड्ढे की वजह से मरने वालों की संख्या दिन ब दिन कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। रोहित सालवे ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार के काम की जांच मनपा के सार्वजनिक बांध काम विभाग के द्वारा गंभीर तरीके से नहीं की जाती, साथ ही ठेकेदार के कागजातों की भी जांच नहीं की जाती, जिससे पहली ही बारिश में रोड में गड्ढों की भरमार हो जाती है। ऐसा है कि उल्लासनगर शहर में सालों साल एक ही मुद्दा हमेशा हर साल उपस्थित आता है। जैसे ही बारिश गिरती है तो पूरे शहर भर अचानक बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, और पालिका से आप सवाल पूछो तो पालिका बोलती है हमने बहुत पैसे खर्चे किए, ठेकेदार को खर्चा किया। जो माहिती है उसके मुताबिक कुछ 36 कोटी रुपए इन्होंने 5 साल में महापालिका के और 20 कोटी शासन के, ऐसे 56 कोटी रुपए इस छोटी महानगर पालिका के 13 स्क्वायर किलोमीटर के महापालिका के अंतर्गत खर्चा किए। तो जब महापालिका बोलती है कि 56 कोटी रुपये हमने खर्चा किया है, तो ये डांबर जो है ये कौन खा रहा है, ये बड़ा संशोधन का विषय हो गया। यही सवाल हमने पूछा है कि बाबा ये खा कौन रहा है। इसलिए आप देखा कि यहाँ पर हमने बड़ा एक भ्रष्टाचार का जो राक्षस खड़ा किया है, उसको यही हमारा पूछे सवाल है कि ये डांबर खा कौन रहा है। अभी विषय इसमें ऐसा आता है कि जब इतने 56 कोटी रुपए खर्चा होने के बावजूद रस्तों की जो हाल है, नागरिकों को जो तकलीफें है, आज वाहन चालक रहेंगे सबसे ज़्यादा तकलीफ जो झेलता है वो है रिक्शा चालक। रिक्शा चालकों को जिस तरह से उनको मेंटेनेंस निकलता है, जिस तकलीफों से जाना पड़ता है, उसके अलावा जो पुलिस प्रशासन से हमने जो माहिती ली है उसके मुताबिक पिछले 10 साल में उल्लासनगर शहर अंतर्गत 163 लोगों की रोड दुर्घटनाओं में मृत्यु हुई है, 507 लोग जख्मी हुए। तो ये सब के लिए भी कहीं ना कहीं आप प्रशासन इससे हाथ नहीं झटक सकती कि यहाँ पे खराब रास्ते भी इसके पीछे कारण हो गए। आज ये सब जो लोगों की मृत्यु हुई है, जो लोगों का मेंटेनेंस हो रहा है सब टैक्स भरने के बावजूद, तो प्रशासन क्या कर रही है, ये सब सवाल पूछने के लिए आज हम इधर बैठे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो महापालिका का है वो अपनी मनमानी कारोबार जो करता है, सर्वसामान्य जनता की वहाँ पे कोई आवाज़ सुनी जाती नहीं है, छोटे छोटे कामों के लिए कोई तकरार निवारण होता नहीं है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट न रहते हुए आज के तारीख में एक प्राइवेट वर्क डिपार्टमेंट हो चुका है, जिसके अंतर्गत ये सिर्फ कुछ चुनिंदा ठेकेदारों के लिए काम करती है, और ये पूरी प्रशासन आज पूरी महापालिका कोई पक्ष नहीं, तो कुछ चुनिंदा 4-5 ठेकेदार मिलकर चला। ये सब चीज़ों का सवाल पूछने के लिए आज प्रशासन के सामने हम लोग यह धरना। आज हमने उल्लासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे धरना प्रदर्शन आंदोलन जन आंदोलन रखा है कि उल्लासनगर शहर में आज ये हालत है कि खड्डों की हर रोड में खड्डे हैं, और वो खड्डों के वजह से किसी लोगों बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण मृत्यु हो जाती है, और कोई कोई उसमें गड्ढे में गिर के वो ऐसा गिर जाता है तो भी उसकी भी ऐसी मृत्यु हो गई है। ऐसे उदाहरण है महानगर पालिका के सामने। तो इस तरीके का आखिर ये जो व्यवस्था है, और ये व्यवस्था डामर का काम करने के लिए राज्य सरकार का फंड निधि और महानगर पालिका का ऐसा महानगर पालिका ने बताया कि 20 करोड़ रुपया महानगर पालिका के तरफ से और 36 करोड़ राज्य सरकार के तरफ से, ऐसा मिला के 56 करोड़ रुपया इन्होंने 5 साल में खर्चा किया है। अब वो 56 करोड़ का जो काम किया वो गया कहाँ? रास्ते फिर अच्छे क्यों नहीं हुए? रास्तों में ये हालत क्यों आई? तो इस तरीके का ये जो भ्रष्टाचार यहाँ हो रहा है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और उस पर किसी भी आयुक्त की उसमें इस पर कंट्रोल नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज धरना आंदोलन किया है, और हमारी मांग है कि इसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है या जो भी अधिकारी होंगे, जो सत्ताधारी भी कोई होंगे, तो उन पर
सीबीआई जांच करके और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यही आज आंदोलन का मेन उद्देश्य है।